जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना साथियों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जिसका तुम्हें बहुत टाइम से इंतजार था, सहारा इंडिया परिवार के लोगों को अपने रिफंड का, अब वो घड़ी आ चुकी है। मैं विवेक मित्तल, फाइनेंशियल प्लानर और हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस जरूरी है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पूरा जो सारा इंडिया परिवार के लोगों के लिए रिफंड प्रोसेस को लिए एक गवर्नमेंट का सीआरसी पोर्टल लॉन्च होने वाला था, उसके बारे में। बहुत टाइम से, पिछले 2-3 दिन से इवन मार्केट में न्यूज चल रही है कि सीआरसी का रिफंड पोर्टल आ चुका है। क्या पोर्टल है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पूरी वीडियो को मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर हम चल के मैं आपको पूरा चर्चा करूंगा कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, क्या किस तरह से आवेदन करना है, किस तरह से आपको पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है। साथ साथ आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उस क्वेश्चंस की लिस्ट भी वहां पर पूरी पोर्टल पर दी गई है, जो मैं सारी आपको वहां लाइव बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप आवेदन करें तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज, जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो मैं अभी आपसे ड्यूरिंग द लाइव प्रेजेंटेशन आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप किसी भी माध्यम से मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि इसी तरीके के अपडेटेड नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ साथियों कि आपका पैसा सहारा इंडिया परिवार की किस सोसाइटी में, किस स्कीम में आपका पैसा लगा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं जहां से आपका पैसा रिफंड होगा। केवल उन्हीं लोगों का जिसका उस पर्टिकुलर स्कीम पे पैसा लगा हुआ होगा, वो भी मैं आज की इसी वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। साथियों, अभी मैं आ चुका हूं आपके सामने सीआरसी के इस रिफंड पोर्टल पर। आप देख पा रहे होंगे कि राइट साइड में मेंशन है सीआरसी रिफंड पोर्टल। ये वेबसाइट अभी आपको हिंदी में दिखाई दे रही होगी। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का लैंग्वेज इशू है, भाषा का चुनाव करना चाहते हैं, तो आप राइट साइड में यहाँ से जाके इसको लैंग्वेज को हिंदी या इंग्लिश में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम आ जाते हैं इस वेबसाइट पे, तो देखिए सबसे पहले समझने की बात ये है कि ये सीआरसी रिफंड पोर्टल बनाया गया है सहारा वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी हमें कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करनी है जिसके लिए आपको ये पूरा पोर्टल समझना बहुत जरूरी है, लास्ट तक बने रहना है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक लाइन ऊपर तक चल रही है, या पोर्टल माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के निर्देशों के अनुसार, अब जिनके पास इस तरीके की कॉपरेटिव सोसाइटीज में पैसा लगा है उनके नाम दिए गए हैं। सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल 3 नंबर पर, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कैलकाटा, एंड फाइनली स्टार्टर्स मल्टीपर्पज कॉपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड हैदराबाद के जमाकर्ताओं को रिफंड करने के लिए बनाया गया है। यानी कि इस पोर्टल पर इन 4 सोसाइटीज का नाम डिक्लेयर हो चुका है कि यदि आपका पैसा इन 4 में से किसी भी तरीके की सोसाइटी पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप अपने पेपर चेक कर लीजिए, उस पर आपके कौन सी कॉपरेटिव सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है, उन्हीं लोगों को इसका पहला पैसा दिया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि ये पोर्टल अभी 2 दिन पहले ही लाइव हुआ है और लॉन्च किया गया है, लेकिन यहाँ पर समस्या सबसे ज्यादा ये आ रही है कि क्या ये गवर्नमेंट का ऑथराइज अप्रूव्ड पोर्टल है, क्योंकि ये अभी इनसिक्योर्ड दिखाया जा रहा है। रीजन बिहाइंड इट कि मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई वेबसाइट मेंशन नहीं है, केवल एक आईपी एड्रेस या एक नंबर शो हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ ये लिखा हुआ भी है कि इसमें नॉट सिक्योर्ड ऑलरेडी मेंशन है। यानी कि ये वेबसाइट पूरी तरह से अभी सिक्योर्ड नहीं है, राइट? क्योंकि जब आप देखते होंगे किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट को, आप जब विजिट करते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को आप देखते हैं, तो वहां पे वो वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो gov.in या gov. से खत्म होता है, राइट? जैसे आपने देखा होगा, हमने बताया था egazettes.org.in, राइट? इस तरीके की जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं वो gov.in से या gov.com से खत्म होती हैं, ठीक है? बट यहाँ पर अभी ये पता लगाना कंफर्म नहीं है कि
ये फेक वेबसाइट है या जेन्युइन वेबसाइट है। अगर ये जेन्युइन वेबसाइट है तो इसका लेटेस्ट अपडेट और फाइनल आना अभी बाकी है, जब ये पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी। बट इस पोर्टल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि एटलीस्ट जब आपका पैसा आप अप्लाई करेंगे सारा इंडिया के रिफंड के लिए तो आपको किन किन प्रोसेस का फॉलो करना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या चीजें दिखाई गई हैं। अगर हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के अंदर चले जाते हैं और हम आ जाते हैं सामान्य क्वेश्चंस में, राइट, यानी कि FAQs में। अगर हम इस कैटेगरी में चले जाते हैं, FAQ की कैटेगरी में यदि हम चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है हाउ कैन आई इनिशिएट आई क्लेम, यानी कि मैं अपना क्लेम कैसे ले सकता हूँ। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नीचे क्वेश्चन दिखाई देता है, टू इनिशिएट अ क्लेम प्लीज विजिट अवर ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? यही वाला। एंड एक्सेस द क्लेम फॉर्म, फिल आउट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट डॉक्यूमेंट आई शुड नीड टू सबमिट माई क्लेम, अगर आप क्लेम लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट प्रोसेस टू क्लेम, एक क्लेम को लेने में लगभग कितना टाइम लग जाएगा। इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं अलग अलग तरीके से सारी क्वेरीज को यहाँ पर रिजोल्व किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके एक स्टेप और आगे। जब हम आ जाते हैं इस जमाकर्ता पंजीकरण पे, यानी कि डिपॉजिटरी को अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ आपकी सदस्यता संख्या मांग रहा है, यानी कि सदस्यता संख्या आपकी कौन सी है, सदस्यता संख्या जो आपके एप्लीकेशंस पे लिखी होगी कि आपकी कौन सी सोसाइटीज के आपने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद यदि आपका आधार नंबर लिंक है तो आप आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट, और उसके बाद जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है आप उसको डाल के OTP वेरीफाई करके अगले स्टेप पर प्रोसेस करेंगे। बट आपको एक खास ध्यान रखना है, यहाँ पर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे अभी हाथ जोड़कर विनती है कि अभी आप इस पोर्टल पर किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन फिल ना करें। डोंट फिल एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस पोर्टल बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट द सिक्योर्ड पोर्टल प्रॉपरली। अभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल पूरी तरह से नहीं आया है कि क्या यही हमारा रिफंड पोर्टल है या नहीं है, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि ये रिफंड पोर्टल है, रिफंड पोर्टल है, रिफंड पोर्टल है, राइट। बट आपको यहाँ से सुविधाएं हो जाएंगी आपके अपने रिफंड प्रोसेस को आसान बनाने के लिए और कुछ चीजों को समझने के लिए, तो आप रेडी हो जाइए हर चीज के लिए, क्योंकि अभी डेडलाइन है लगभग जुलाई के लास्ट तक ये पोर्टल प्रॉपर तरीके से लाइव होगा। ऊपर की तरफ जहां हमने अभी आपको पहले भी दिखाया, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक वेबसाइट लिखी हुई होगी जो यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योर्ड होगी, राइट, और वो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक प्रॉपर जानकारी पहुंचाई जाएगी। तो इस तरीके के पोर्टल से थोड़ा सावधान रहिए अभी, क्योंकि ये अब हमें भी पूरी तरह से नहीं पता है कि क्या ये एक फेक पोर्टल है, लेकिन जहां तक हमारे पास अलग अलग नोटिफिकेशंस के माध्यम से जानकारी आ रही है तो ये अभी एक CRC का रिफंड पोर्टल आ चुका है। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि किसी भी तरीके की जानकारी अभी आप इस पोर्टल पर फिल ना करें, लेकिन यहाँ से आप कुछ चीजों को अपने प्रोसेस को इनिशिएट करके समझ सकते हैं। जैसे लिखा है आवेदन कैसे करें, और जब आप आवेदन करें वाले पोर्टल पर जाते हैं, पेज पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारियां अंडर प्रोसेस लिखी हुई आती है, यानी कि कमिंग सून का सिंबल यहाँ पर आपको दिखाता है कि अभी अंडर द प्रोसेस है, राइट। जब ये अंडर द प्रोसेस है और ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो समझ में आती है कि अभी पोर्टल अंडर प्रोसेस में है। देखो क्योंकि अभी जैसे हमने आवेदन पर क्लिक करा ये पेज ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी अंडर द प्रोसेस में है। हम अगर इसकी इंग्लिश को कन्वर्ट करके यूजर मैनुअल पे जाते हैं तो यूजर मैनुअल का भी जो पेज है वहां पर आपको एक PDF फाइल दिखाई देती है, बट वो अभी PDF फाइल अंडर द प्रोसेस में है बहुत सारी चीजों के साथ। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आपको, देखते हैं कि इस पे क्या क्या चीजें आती हैं। बेसिकली ये क्या है, एक यूजर मैनुअल है आपका, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूव्ड है या नहीं है इसको अभी हम वेट करेंगे। लिखा है ना यूजर मैनुअल, मतलब कि आप किस तरह से एक यूजर अप्लाई करेगा अपने रिफंड पोर्टल के लिए। देखो जैसे लिखा है क्लिक टू डिपॉजिटरी रेगुलेशन ऑन होम पेज, फिल द नेसेसरी डिटेल्स एज सच एज मेंबरशिप नंबर, आधार नंबर, योर आधार लिंक। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आप ले सकते हैं। ये जो PDF आपको यहाँ दिख रही है, आपको मैं
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। अगर जब ये लाइव हो जाएगा प्रॉपर तरीके से तो आपको कुछ चीजें और समझ में आ जाएंगी। तो अभी आपने समझा यूजर मैनुअल के साथ साथ हमारा ये जो पोर्टल है प्रॉपर तरीके से कि किस तरह से सीआरसी का पोर्टल काम करेगा या नहीं करेगा, कितना जेन्युइन है, इसको अभी आपने समझ लिया है। तो आप रेडी हो जाइए कि ये तो कंफर्म है कि सहारा इंडिया परिवार के लोगों का पैसा मिलने वाला है। तो साथियों अभी आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको लाइव पूरा डिस्कशन किया सीआरसी पोर्टल के बारे में। देखिए ये मैं आपको पहले से चर्चा में बता रहा हूँ कि ये आपको ध्यान रखना है कि ये पोर्टल अभी पूरी तरह से सिक्योर्ड नहीं है, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अभी अप्रूव्ड नहीं किया गया है, अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, केवल और केवल इंटरनेट के माध्यम से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। इसीलिए आपको अभी किसी भी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरीके की कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने उस पोर्टल पर अपलोड नहीं करनी है। कोई आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है, कोई पैन कार्ड अपलोड नहीं करना है, किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीजें आज के टाइम में आधार कार्ड पैन कार्ड सब आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। अगर ऐसा होता है तो किसी भी रीजन से आपका खाता खाली हो सकता है, इसलिए ये आपको अटेंशन रखनी है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आप पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं लेकर आऊंगा लगातार इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स सारा इंडिया परिवार से रिलेटेड आपके लिए। अगर आप चैनल पर मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो तो बेल आइकन को साथ साथ ऑल पे बटन दबाकर जरूर क्लिक कीजिएगा। साथ में कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।